नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव में किन गांवों को अब पंचायत बनाया जाएगा, इसके बारे में। पंचायत चुनाव का बिगुल फूक चुका है। बिहार में पंचायत चुनाव की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी है, जिसके तहत लगातार चुनाव से संबंधित कई बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए सरकार बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार में अब ग्राम पंचायत के पुनर्गठन को लेकर पंचायत राज एक्ट 2006 में संशोधन करने की तैयारी है, जिसके बाद राज्य के अंदर अब 7000 से कम आबादी वाले गांव भी पंचायत बन पाएंगे। पंचायती राज विभाग में इसको लेकर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद संशोधन विधेयक बिहार विधानमंडल के आगामी बजट सत्र में पेश किया जाना है। सदन में अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो यह संशोधन एक्ट का हिस्सा बन जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नए नगर निकायों के गठन की प्रक्रिया में कई ग्राम पंचायतों का हिस्सा उसमें शामिल हो गया है। इसके बाद से ही ऐसे प्रभावित ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की कवायद सरकार ने शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, इससे संबंधित दिशा निर्देश जिलाधिकारियों को भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य के अंदर जो भी पंचायत राज एक्ट लागू हुआ है, उसके तहत पंचायतों की आबादी के अलग मापदंड है, जिसके बाद अब तक के पंचायत पुनर्गठन के लिए 7000 की आबादी के सर्च है, लेकिन इसे घटाकर 3000 किए जाने की शर्त रखी गई है। वहीं अब जो संशोधन किया जा रहा है, उसके तहत विशेष परिस्थिति में 7000 से कम की आबादी पर भी जिलाधिकारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की घोषणा कर पाएंगे। राज्य में लगभग 200 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनका पुनर्गठन किया जाना है। जनगणना के आधार पर जहां 3000 या उससे अधिक की आबादी है, उसे ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। इतना ही नहीं, संशोधन के साथ ही यह भी साफ कर दिया गया है कि अगर किसी गांव की आबादी इससे कम होगी तो उसे निकटतम ग्राम पंचायत का हिस्सा बनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पंचायत चुनाव का आयोजन इसी साल अप्रैल मई महीने में होने वाला है, इसको लेकर तैयारियां जारी है। हालांकि इस बार का यह चुनाव बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि अप्रैल मई महीने में होने वाले इस चुनाव का आयोजन पहली बार ईवीएम से करवाया जा रहा है। हालांकि अभी तक यह चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से करवाया जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के तर्ज पर पंचायत चुनाव को भी अब ईवीएम से करवाने की पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए ही इस बार के चुनाव में बड़े बदलाव भी देखने को मिलने वाले हैं, जिसके तहत इस बार महिला एससी एसटी उम्मीदवारों को नामांकन के लिए आधी राशि ही देनी होगी। इसके साथ ही इस चुनाव में टू चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया गया है। आपको बता दें, पहले यह खबर सामने आई थी कि दो बच्चों से ज्यादा वाले उम्मीदवार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन नहीं भर सकते हैं। हालांकि बाद में इस आदेश को वापस ले लिया गया था, जिसके बाद अब जल्द ही चुनाव की तारीखों का इंतजार हो रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार 7000 से कम आबादी वाले गांव को पंचायत बनाने का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।